नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं और अध्यक्ष पद बदलेगा, ये बात साफ है, क्योंकि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे इस लड़ाई में आगे नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पद से कई सारे पदों का भी तबादला होता नजर आएगा। दरअसल पूरा समीकरण ये बनना है कि जब बात आई थी कांग्रेस अध्यक्ष पद की, तो सवाल उठे थे राजस्थान की सत्ता पर भी, कि राजस्थान की सत्ता में किसको बने रहना चाहिए और किसको बने नहीं रहना चाहिए। गहलोत की बात हुई थी तो उनको कहा गया था कि आप अध्यक्ष पद के लिए जाइए, और पायलट को सीएम पद की दावेदारी का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता में अभी भी गहलोत बरकरार है, और अब जो चुनाव होने हैं और चुनाव का जो नतीजा शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे किसी के भी पक्ष में आए, क्या वो राजस्थान की सत्ता पर भी फैसला लेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी थी, दिल्ली में जैसे हारी थी, वही सब यहाँ पर कह सकते रिपीट नहीं करना चाहते, बल्कि सरकार को रिपीट कैसे कराना है राजस्थान में कांग्रेस को, इस बात पर गौर करना है। और अब कुछ ऐसे चौंका देने वाले बातें सामने आई हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट दोनों को ही झटका लग सकता है राजस्थान से, और किसी तीसरे नाम पर चर्चा कर सकते हैं नया आलाकमान। जी हाँ, यानी कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा वो किसी तीसरे नाम पर चर्चा करेगा। पंजाब के समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, राजस्थान में बीते कुछ सालों की सत्ता समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही यहां पर कई सारे बदलाव किए जाएंगे। आज होना है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव और 19 तारीख तक आप सभी के सामने एक नया अध्यक्ष होगा। सोनिया गांधी यहां पर कह सकते हैं हटती नजर आएंगी अपने पद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन आला कमान के रूप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की भूमिका भी काफी अहम रहेगी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन गहलोत और पायलट की भूमिका पर जो सवाल उठाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों पर जो सवाल उठाए जाते हैं, क्या नया कांग्रेस अध्यक्ष उतना ही मेहरबान होगा पायलट और गहलोत पर जितना राहुल, सोनिया, प्रियंका रहे, अब देखना ये दिलचस्प है। लेकिन कुछ जो बातें चौंका देने वाली सामने आई है वो आप हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से देखें, जिससे आपके लिए समझना आसान होगा कि आखिर राजस्थान में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं नए कांग्रेस अध्यक्ष बनने से। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सोमवार यानी कि आज के दिन मतदान के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके चिर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट पर सबका ध्यान रहेगा। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। पिछले महीने के अंत तक राजस्थान में कांग्रेस के 82 विधायकों के पार्टी के विधायक दल की आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होने के बाद यह विषय खुलकर सामने आ गया था। वे गहलोत के विश्वस्त शांति धारीवाल के जयपुर स्थित आवास में एक समानांतर बैठक में शामिल थे। गहलोत तो पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले थे। वहीं गहलोत और पायलट में चल रहे विवाद के बीच ऐसी भी संभावनाएं हैं कि पार्टी पंजाब मॉडल को अपनाते हुए किसी तीसरे नेता को भी मौका दे सकती है। मालूम हो कि सितंबर महीने की बैठक का आयोजन एक प्रस्ताव पारित करने के लिए किया गया था, ताकि कांग्रेस प्रमुखों को गहलोत का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जा सके। गहलोत को लंबे समय से गांधी परिवार का विश्वस्त माना जाता है। बताया जाता है कि पिछले महीने हुए घटनाक्रम से गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा पर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ 2020 में बगावत कर चुके पायलट को बदलाव लाए जाने के रूप में देखा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसा कि थरूर के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार बनकर साहस का परिचय दिया है, लेकिन वह वफादार होने का दर्जा हासिल करने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं और पर्यवेक्षकों ने इस बात का जिक्र किया है कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर जहां पार्टी खुद में परिवर्तन कर नयापन लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव प्रचार अभियानों में और राजस्थान के बागडोर संभालने के लिए खुद को सर्वाधिक सक्षम दर्शाने की तोड़ काफी हद तक इस विमर्श से उपजी है कि गांधी परिवार का करीबी कौन है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गांधी परिवार अब गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने को ज्यादा इच्छुक नहीं है, लेकिन वह पायलट से भी पूरी तरीके से सहमत नहीं है। इस बात की संभावना है कि पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत या पायलट दोनों में से किसी के नाम पर भी विचार नहीं करें। यदि ऐसे में कांग्रेस आलाकमान किसी तीसरे शख्स पर विचार करता है तो फिर ये रणनीति पंजाब मॉडल की तरह ही होगी, जहां पर सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई के बीच चरणजीत सिंह चिन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में लौटने की पूरी कोशिश करेगी। जी हां, और वही कोशिश में नजर भी आ रही है यहां पर पूरी तरीके से वसुंधरा राजे।
लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ गहलोत कई बार शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री के गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध कायम हैं। गहलोत शनिवार को कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस की रैली में भी उपस्थित थे। हालांकि इसके उलट एक विचार यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल पायलट के साथ काफी सहज हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और खड़गे के गहलोत के साथ अच्छे समीकरण हैं। गहलोत 17-18 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करने वाले हैं। वह राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। वहीं राजस्थान पर्दे के पीछे गतिविधियां जारी हैं। गहलोत के 3 विश्वस्त मंत्री धारीवाल, महेश जोशी और पार्टी के नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब दे दिए हैं। नोटिस कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति के विधायकों के एक बड़े समूह के बगावत करने को लेकर जारी किए थे। विषय में आगे के कदम पर चर्चा के लिए समिति के जल्द ही बैठक करने की संभावना है, लेकिन नए अध्यक्ष से राजस्थान की सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यही रहेगा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन क्या नए अध्यक्ष के फैसले से होगा या राहुल सोनिया के फैसले से, क्योंकि राहुल सोनिया यानी कि गांधी परिवार दोनों ही गहलोत और पायलट के अब करीबी बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है दोनों अपनी करीबी को यानी अपनी जो कह सकते हैं संबंध बने हुए हैं गहलोत और पायलट के साथ, एक रिश्ता बना हुआ है राजनीतिक तौर पर, उसको बनाए रखने के लिए नए अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं ताकि उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो इस मामले पर फैसला लेना। देखा आप सभी ने किस तरीके से नए कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई लड़ाई राजस्थान की सत्ता पर बनाई। राजस्थान की सत्ता में कई सारे परिवर्तन को लेकर सवाल उठा दिए। राजस्थान की सत्ता में परिवर्तन भी होना तय माना जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस पार्टी को भी करनी है। लेकिन कोई तीसरा नाम कौन हो सकता है, वो तीसरा नाम, इस बात को लेकर भी सवाल कई सारे उठाए गए। तीसरे नाम को लेकर हमेशा ही चर्चाएं रही हैं कि वो तीसरा नाम क्या सीपी जोशी, रघु शर्मा, बीडी कल्ला, यहाँ पर कह सकते हैं तमाम जो विधायक हैं उनके नाम क्या सामने आ सकते हैं। लगातार राजस्थान की सत्ता को लेकर सवालिया निशान पर रखा गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदलाव के बाद यानी कि जब कोई चेहरा बदलेगा, गांधी परिवार से हटके किसी और के हाथ में कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाएगा, क्या उसके फैसले होंगे, क्या वो पार्टी के पक्ष में फैसला लेगा या राहुल सोनिया के कहने पर ही चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि किसी ने कहा था कि वो रिमोट कंट्रोल बनकर रह जाएगा और सिर्फ आला कमान यानी राहुल सोनिया के फैसले को ही, उनके ऑर्डर को ही फॉलो करता नजर आएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हैं, शशि थरूर जो हमेशा ही अपने बड़बोलेपन और साथ ही साथ अपने बेहतरीन कामों के लिए जाने जाते हैं, क्या वो राहुल सोनिया की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी कई सारे सवाल रहेंगे। लेकिन ये चुनाव कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल तो अभी के लिए यही बना हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कौन आगे है, ये भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन के इस खेल में कहीं राजस्थान में बीजेपी तो बाजी नहीं मार जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से करती नजर आ रही है। और ये लगातार विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता रहा है कि जब भी एक साल से कम वक्त बचता है किसी भी चुनाव में, तो जितने भी विधायक, पार्षद, सांसद सब होते हैं, सबके सब वापिस आ जाते हैं, यानी कि बरसात होने पर जैसे मेंढक आता है, वैसे ही यहाँ पर विधायकों को लेकर कहा जाता है कि जब एक साल से कम का वक्त होता है तो सभी विधायक अपने अपने गढ़ पर पहुंच जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां करते हैं, राजनीति करते हैं, ताकि विपक्षी पार्टी को पूरी तरीके से चकमा दे सके। अब जो सवाल खड़े हुए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब किस तरीके से आने वाले वक्त में मिलता नजर आएगा, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत की भूमिका पर सवाल किए जा रहे हैं, तो चुनावों में भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात चुनावों में सबसे अहम जिम्मेदारी गहलोत को दी गई, तो हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भूपेश बघेल के साथ पायलट पर्यवेक्षक के तौर पर नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन विधानसभा चुनाव से पहले होने चाहिए, अगर आपकी राय हाँ में है तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।